मुनकर और नकीर की पहचान करवा दी खदीस ने। इंतहाई हैबतनाक खौफनाक चेहरे, स्याह रंगत, तांबे के देगचों जितनी बड़ी बड़ी नीली आंखें, गाय के सींगों जैसे बड़े बड़े दांत जिसके साथ वो जमीन को उखाड़ेंगे, लंबे लंबे खुले बाल जिनके साथ वो जमीन को रौंदेंगे, मसलेंगे, और फिर बिजली की कड़क की तरह की आवाज जिससे वो तीन सवाल पूछेंगे मुर्दे को बिठाने के बाद। अल्लाहुमा निस्वाशति कब्री, पूछेंगे मन रब्बू का, मन रसूलू का, मा दीनू का। रब किसको मानता था, रसूल किसको मानता था, दीन कौन सा अपनाता था। मेरा रब बड़ा रहमान है, वो मुमतहिन बड़ा करम वाला है, वो हर मरहले पर आजमाइश के सवाल बता देता है। दुनिया में कोई मुमतहिन ऐसा नहीं जो अपना पर्चा आउट कर देता है, ये मेरा रब भी है, वो मुझसे मोहब्बत बड़ी करता है, वो मुझे किसी इम्तिहान में नाकाम होने का तस्वर ही उसको दुखाता है। अलवदूद है ना, वो नहीं चाहता कि मैं किसी इम्तिहान में किसी मरहले में नाकाम हो जाऊं, मुझे हर मरहले के सवाल बता बता के कामयाबी मेरी यकीनी बनाता है। वो तो कहता है लाओ या लमून, काश तुम्हें पता चल जाए। कोई है ऐसा मुमतहिन जो हर पर्चे के इम्तिहान बता दे ये लाजिम है, ये मैं जरूर दूंगा, इनको तैयार करके आना, इनको अटेम्प्ट करना, तुम कामयाब हो जाओगे। और मैं आपको उस दिन भी बात पूछी थी कि आप देखें कि अगर आपके बच्चे का इम्तिहान हो, आपके बच्चे का कोई पेपर और एग्जाम हो, और आपको मुमतहिन का पता हो, किसी माँ को मुमतहिन का पता हो, और वो हुक एंड क्रुक सिफारिश रिश्वत के जरिए मुमतहिन से पेपर आउट करवा के अपने बच्चे को दे दे, ये तुम्हारे पेपर सेटर ने सवाल 5 सेट किए हैं, इनको तैयार कर लो, अजबर कर लो, घोल के पी लो, पानी की तरह पी लो, और बस ये लिखाना। और बच्चा क्या करे, मां सारे पर्चे के इम्तिहान दे दे और बच्चा फिर फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, मां क्या करेगी, बाप क्या करेगा, होगा क्या उस बच्चे का अंजाम। बच्चे का सर होगा और मां की जूती होगी। नलायक, अहमद, नकम्मे, सवाल तक बता दिए थे फिर फेल हो गया, आ गया। कितना अहमक है इंसान, कितना नालायक होगा इंसान अगर वो रहमान मालिक यौमिद्दीन हर हर इम्तिहान का पर्चा लाजिम सवाल कंपल्सरी क्वेश्चंस बता देता है, अगर फिर कोई नाकाम हो गया। तीन सवाल, रब किसको मानते थे, रसूल किसको बनाते थे, दीन कौन सा अपनाया था। हाँ, इसलिए बताएं कि रट लें, रटने की भी तो बहुत आती है, रटना नहीं है, रटने वाला जवाब नहीं दे पाएगा। किसको जवाब की तौफीक होगी, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी बंदगी की होगी, उसकी इबादत, उसकी अतात की होगी, वो तौफीक दिया जाएगा, अल्लाह मेरा रब है। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को माना, अपनाया और अपने रंग में अपने आप को सुन्नतों के रंग में रंगा होगा, उसको तौफीक दी जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल थे। जिसने अपने घर को, अपने आंगन को, अपने अहले खाना को, अपने अखलाक, अपने मामलात, अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी की बूदोबाश को इस्लाम के रंग में, सिबगतुल्लाह में रंगा होगा, उनको उनको दीन कौन सा था, इस्लाम का नाम लेने की तौफीक होगी। अल्लाह।